हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरे मदरबोर्ड की। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे और ये वीडियो मैं रिक्वेस्ट पे ही बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग मजाक में भी ले रहे थे उस चीज़ को और कुछ लोगों ने बोला कि कैसे करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जो मेरा मदरबोर्ड है वो है गीगाबाइट का 320 मॉडल है, और लोग सोचते हैं उस पर ओवरक्लॉकिंग कैसे होती है। तो इसी के लिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और अगर आप भी अपने गीगाबाइट के 320 मॉडल को ओवरक्लॉक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, और मैं आपको एकदम लाइव डेमो देके दिखाऊंगा। मैं इसमें कुछ भी एडिट टाइप आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें होंगी वो मैं आपके सामने दिखाऊंगा, कोई स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, लाइव चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आने वाले टाइम में इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा मदरबोर्ड। मैं आपको निकाल के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको अंदर ही दिखाऊंगा कि मदरबोर्ड कौन सा फिट है। उसके बाद मैं आपको डिस्प्ले चालू करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से ये ओवरक्लॉक होगा, वो पूरा डेमो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। चलिए तो दोस्तों ये है मेरा सीपीयू, ठीक है। तो अभी मैं एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ। यार ये मैं आपको इस तरीके से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैं कोई एडिटिंग या मैंने मदरबोर्ड चेंज कर दिया, इस वजह से मैं आपको इसको इस तरीके से दिखा रहा हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरा मदरबोर्ड है। तो एक बार मैं आपको इसका मॉडल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा इसका मॉडल, ठीक है। तो इसी मदरबोर्ड को हम लोग जो है अभी ओवरक्लॉक करेंगे। ये पूरा सेटअप है मेरे पास, 16 GB रैम है, राइजन 3 मैं यूज़ कर रहा हूँ, और राइजन 3 जो है 3200G जो लेटेस्ट मॉडल है इसका, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका क्या है कि ये बेस फ्रीक्वेंसी जो इसकी होती है वो होती है 3.6 GHz, बट अभी जो मैं चला रहा हूँ वो 3.8 पे चला रहा हूँ। सर्दी का मौसम है तो मुझे अलग से कोई फ़ैन वगैरह लेने की ज़रूरत भी इसमें नहीं पड़ेगी। तो एक बार मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। सिस्टम को मैं कर लेता हूँ स्टार्ट। तो यार अभी सारा सेटअप ऐसे ही है, देख लो यार। ये मैं आपको अपने सेकेंडरी सेटअप पे दिखा रहा हूँ, मेरा जो फर्स्ट सेटअप है आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। ये मॉनिटर मैं कर देता हूँ अभी सिस्टम को ऑन। यहाँ पे हम डिलीट की दबाएंगे जिससे कि हम सीधा बूट में इसके बूट में एंटर कर जाए, बट आई थिंक हम लेट हो गए हैं। तो एक बार मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी मेरा सिस्टम दोबारा से रीबूट हो रहा है और मैं एक बार इसमें डिलीट की दबा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे इसके बायोस में। तो बायोस में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये सारे इसके अंदर ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार हम सिस्टम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरे मदरबोर्ड का एक बार मॉडल नंबर देख लीजिए, क्योंकि बाद में ये ना हो कि भाई कैसे किया आपने, शायद मदरबोर्ड चेंज कर दिया है या ऐसा कुछ। तो चलते हैं, इसको ओवरक्लॉक कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों को जाना है एडवांस फ्रीक्वेंसी सेटिंग में, ठीक है। एडवांस फ्रीक्वेंसी सेटिंग में आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी जो मेरा मदरबोर्ड है वो है, ये देखिए, यहाँ पे इसकी बेस फ्रीक्वेंसी जो है वो 3.6 है, और मैं जो इसको यूज कर रहा हूँ वो 3.8 पे कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, बट अभी मैं आपको इसको 3.7 पे करके दिखाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इसको चेंज करना है। आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, जस्ट आपको
एक मिनट यार मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है। तो आप इसको जस्ट एक मिनट, ठीक है। सीपीयू क्लॉक रेशो आप यहां पे देख लो, सीपीयू की क्लॉक रेशो है ये, ठीक है। अब जो पेज अप और डाउन का जो इसमें ऑप्शन होता है आपके कीबोर्ड में, आप इसको अप डाउन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे फ्लक्चुएट होगा, ठीक है, किस तरीके से ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अभी 3.7 पे करेंगे क्योंकि मैं इसको 3.9 पे नहीं लेके जाना चाहता, ठीक है। अभी ये 3.7 पे हो गया है, लेकिन हम इसको एक पॉइंट ऊपर रखेंगे जिससे कि जब हम अंदर अपने सिस्टम में देखेंगे तो ये 3.7 ही दिखाए हमें, ठीक है। तो अभी इसको मैं कर देता हूं सेव एंड एग्जिट, ठीक है। अभी मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है, जब तक रीस्टार्ट हो रहा है मैं आपको एक बार अपना मदरबोर्ड दिखा देता हूँ, जो मेरा सीपीयू है वो चल रहा है, ठीक है। मदरबोर्ड वही है, शायद आपको नहीं दिख रहा हो इसका मॉडल, मैं एक बार आपको थोड़ा सा देखिए, शायद आप देख पा रहे हो। अभी ये रीस्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसकी फ्रीक्वेंसी हम चेक कर लेते हैं सिस्टम में जाकर, ठीक है। खोलेंगे टास्क मैनेजर, परफॉर्मेंस में आ जाएंगे, ठीक है। सीपीयू, सॉरी सीपीयू, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं हमारा जो सीपीयू है वो, एक मिनट, हाँ अभी आप देख पा रहे होंगे ये 3.73 पर क्लॉक्ड है। इसको मैं और भी फ्रीक्वेंसीज की अपनी मर्जी से चेक कर चेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यार तो यार जिन लोगों को लगता है कि 320 पे आप ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल यार आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं। बस इसमें आपको जो है एक चीज का ध्यान रखना है, तो यार ओवरक्लॉकिंग इस पे हो जाएगी, बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों का, जैसे कि आप इसको मतलब लिमिट से ज़्यादा ओवरक्लॉक मत करना। हद मार के आप 2 पॉइंट इसको अपग्रेड कर सकते हो। लेट सपोज कि आपका जो सीपीयू है वो 3.6 गीगाहर्ट्ज का है, तो आप उसे 3.8 तक ले जाइए, और आपको अगर 4 तक इसको ओवरक्लॉक करना है तो डेफिनेटली आपको एक अलग से डेडिकेटेड जो है एक फैन इसके लिए लगाना होगा, नहीं तो आपका मदरबोर्ड जल सकता है। तो यार इससे ज़्यादा ओवरक्लॉक मत करना। और ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि एक बंदे ने मुझे कमेंट किया और वो मतलब हंस रहा था इस चीज़ पे कि आर यू किडिंग मी। तो यार ये आप के लिए मेरी तरफ से रिप्लाई है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं कि इस तरीके से आप करोगे तो डेफिनेटली आपका मदरबोर्ड भी ओवरक्लॉक कर पाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स टिक टैक।